व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। तो आज मार्वल की नई सीरीज शी हल्क का एपिसोड 1 डिज्नी प्लस पे आ गया है, जिसमें हमें बहुत कुछ दिखाया गया है। इसमें कई पुराने सवालों का जवाब, ईस्टर एग्स और हिडन रेफरेंस भी दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शी हल्क के एपिसोड 1 का रिव्यू दूंगा और इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो बिना किसी देरी के हियर इट गोस। तो शी हल्क का पायलट एपिसोड एक अच्छा एपिसोड था, जिसमें हमें जेनिफर वॉल्टर्स का एक सॉर्ट ऑफ ओरिजिन दिखाया गया और ये भी दिखाया गया कि वो कैसे अपनी लोअर लाइफ के साथ साथ अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर रही है और दोनों का बैलेंस बना के रखा है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जेनिफर वॉल्टर्स को अपने नेक्स्ट केस की रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जहां उसके साथ उसकी असिस्टेंट होती है। तभी हम जेनिफर वॉल्टर्स को फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम सब ऑडियंस से बात करते हुए देखते हैं। जब कोई कैरेक्टर ऑडियंस से सीधा कैमरे में देख के बात करता है, उसे ही फोर्थ वॉल ब्रेक करना कहते हैं। तो वो हमें अपने बारे में बताना शुरू करती है कि कैसे वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हुई, जिसे आगे एक सीन में दिखाया जाता है जहां ब्रूस और जेनिफर वॉल्टर्स गाड़ी में स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी पर बहस कर रहे होते हैं। यही हमें ब्रूस बताता है कि एंड गेम के बाद उसका हाथ ठीक हो चुका है और उसने एक डिवाइस बनाया है जो उसे ह्यूमन फॉर्म में रखने में मदद करता है। तभी एक स्कारशिप उनकी गाड़ी के सामने आती है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है। जेनिफर गाड़ी से बाहर निकलती है और ब्रूस को निकालने की कोशिश करती है। तभी ब्रूस का ब्लड जेनिफर के ब्लड पे गिरता है और देखते देखते वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वहां से भागने के बाद वो एक क्लब में पहुंचती है, जहां उसे कुछ लड़के टीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर हल्क में ट्रांसफॉर्म होके उन पे हमला कर देती है, पर ब्रूस आके उसे वहां से ले जाता है। देन हमें जेनिफर को एक नई जगह पे दिखाया जाता है, जहां ब्रूस की एक लैब होती है, जहां वो स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म होके काम कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे लोगों ने ये नाम दिया है। वो जेनिफर को बताता है कि ये लैब टोनी ने बनाई थी और ये जगह मेक्सिको के एक आइलैंड पे होती है। वो जेनिफर को बताते हुए कहता है कि हमारी बॉडी गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने में सक्षम है। फिर वो जेनिफर वॉल्टर्स की ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें उसे एंगर और फियर पे कंट्रोल करना सिखाता है, जहां उसे पता चलता है कि जेनिफर की कोई अल्टर ईगो नहीं है। वो जब शी हल्क बनती है तब भी जेनिफर का ही बॉडी पर कंट्रोल होता है। इस बात पे ब्रूस जेलसी फील करता है कि जेनिफर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सीख रही है। हल्क जेनिफर को योगा एंड सम अदर टेक्टिक्स सिखाता है टू डील विद हर एंगर। जेनिफर हर चीज में ब्रूस से बेटर परफॉर्म कर रही होती है। वो वापस कॉर्पोरेट वर्क के लिए जाना चाहती है, पर ब्रूस उसे मना कर देता है। इसके कारण हमें हल्क और शी हल्क के बिटवीन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें हमें दोनों तरफ से थंडर क्लैप्स देखने को मिलती हैं और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रूस की बार को भी तहस नहस कर देते हैं। इस बार को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था, जहां वो बैठ के कैप्टन अमेरिका की बुराई करते थे। ब्रूस जेनिफर को बताता है कि हमें हल्क बनने से एक फायदा भी हुआ है कि हम जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकते हैं विदाउट गेटिंग ड्रंक। आगे हम देखते हैं कि जेनिफर वापस एलए आ जाती है और ब्रूस उसे कहता है कि वो जब चाहे तब उसे कॉल कर सकती है। देन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां केस की क्लोजिंग स्टेटमेंट को देने के लिए जेनिफर खड़ी होती ही है, तभी वहां टाइटेनिया आ जाती है। इसे जमीला जमील ने प्ले किया है। जेनिफर की असिस्टेंट उसे शी हल्क बनने के लिए कहती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक पंच से टाइटेनिया को घायल करके लोगों को बचा लेती है। और ऐसे ही सब लोगों को पता चल जाता है कि जेनिफर ही शी हल्क है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है या फिर अपना मुंह काला कर चुके हैं। जहां ब्रूस बताता है कि कैप्टन ने अपनी वर्जिनिटी 1943 में किसी लड़की के साथ खोई थी, जब वो यूनाइटेड नेशन के लिए वॉर में गए थे। एंड विद दिस एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि काफी अमेजिंग था। इसमें हमें जेनिफर की ओरिजिन, ब्रूस और टोनी की बॉन्डिंग और कैप्टन की वर्जिनिटी सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, और आपको इसके हर एपिसोड का एक्सप्लेन वीडियो मेरे इस चैनल पे फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं कहता रहता हूँ पर आप करते नहीं। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Until next time.